हाल ही में मुंबई में फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। स्टेज पर केसरी की पूरी स्टार कास्ट मौजूद रही। लेडीज फर्स्ट तो सवाल भी सबसे पहले परिणीति से किया गया। फिल्म ओल्ड एरा को दर्शाती है, ऐसे में परी के लिए केसरी में काम करना और इस रोल को निभा पाना कितना आसान रहा, सुनिए। प्रमोटिंग द फिल्म दैट केसरी वॉज दैट फिल्म वेयर आई डिड नॉट थिंक अबाउट द यूजुअल सिली थिंग्स लाइक स्क्रीन टाइम एंड रोल एंड क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए या नहीं। आई रिमेंबर व्हेन करण कॉल्ड मी टू द ऑफिस, ही टोल्ड मी द वन लाइनर ऑफ दिस फिल्म एंड ही प्लेड आर लव सॉन्ग दैट वी आर गोइंग टू हैव इन द फिल्म एंड आई सेड येस इंस्टेंटली। आई डिडंट इवन हैव अ फुल नरेशन और एनीथिंग, बट आई न्यू दैट ऑल दीज जीनियसेस वर मेकिंग एन अमेजिंग फिल्म एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू बी a part of that film so that 50 years from now I can just say that I was a part of Kesari. That's it. I'm so happy. I told Anurag sir jo bhi picture bana rahe ho, I'll be a tree in the background, it's okay, I just want to be a part of it. So thank you so much Karan, Anurag sir, Akshay sir for making me a small part of this film. Akshay Kumar ne bhi apne role aur pak ke bare mein bataya. Challenging bilkul nahi tha kyunki research aur ye sari cheeze jo thi wo mere director ne sab kuch karke rakha tha. और मतलब हर सवाल का जवाब इनके पास था। करीबन एक सवा साल से ये कहानी पे काम कर रहे थे, लिख रहे थे, रिसर्च कर रहे थे और कई बार ये पंजाब भी गए हैं पता करने के लिए काफ़ी चीज़ें, और सब चीज़ों का उत्तर यही लेके आए। तो मैं कहूँगा कि जो चैलेंजिंग और रिसर्च पार्ट था वो इन्होंने मेरा संभाल लिया था। फिल्म को करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे हैं। करण से ही पूछना तो लाजमी था कि आखिर उन्होंने इस फिल्म के लिए खिलाड़ी कुमार को ही क्यों चुना। सुनिए क्या कहा करण ने अकी की तारीफ में। आई थिंक दैट इनिशियली व्हेन अनुराग एंड ऑल ऑफ अस वेंट टू अक्षय, इट वाज बिकॉज ऑफ नॉट ओनली द डिग्निटी दैट ही हैज ऑलवेज ब्रॉट टू द सिल्वर स्क्रीन बट ऑल्सो द प्रोवेस दैट ही हैज एज अ मेगा मूवी स्टार। लाइक आई फील इफ देयर इज वन मैन हु कैन स्टैंड एंड स्क्रीम एंड स्केयर a battalion of people, it's Akshay Kumar. So I think that inherent conviction that you need to inherently have in your demeanor. Now it doesn't matter, it doesn't come from it just your presence. It comes from your body of work, it comes from the eyes that you have humanity in, it comes from your humanitarian work. It's a combination of various factors that encompass the magic and magnitude of Akshay Kumar. So when you write a narrative such as Kesari, when you have this man leading an army of 21 to combat an army of 10,000, there are very few names that pop up in your head. And Akshay Kumar was leading that list. And he was really our top to bottom, I would say, choice. Like I said, right at the top, and I meant every word, had Akshay Kumar declined the making of Kesari, this film would not have been made. Film ke saath saath, in stars ke real look ke baare mein bhi poocha gaya. Haan, bilkul, jo pug thi, kareeban sawa kilo ki, ek kilo ki pug thi. और 4-5 किलो की तलवार थी। वैसे उस वक्त की बात अगर हम करें तो उस वक्त जब वो तलवार पकड़ते थे वो करीबन 20 या 22 किलो की तलवार पकड़ते थे, क्योंकि वो लोग असली घी खाते थे। हम डालडा हम बराबर दही भी नहीं खा सकते। आप अभी भी असली घी खाते हो इसलिए इस तरह लगते हो। वो बनावटी चीजें तो हम खाते हैं। अब जब डिसिप्लिन की बात हुई तो ऐसे में प्रोड्यूसर साहब को अकी के डिसिप्लिन होने का एक किस्सा याद आ गया। पहली बार जब मुझे अक्षय कुमार से मिलना था तो उन्होंने 6 बजे कह दिया। मैं तो 6 बजे शाम को जा रहा था, मुझे कहाँ पता था कि 6 बजे सुबह ये मुझे बुला रहे थे। ये इंसान नहीं है, मॉर्निंग अलार्म है। फिलहाल देश का माहौल पुलवामा अटैक के बाद से बेहद गंभीर है और इस वक्त इस फिल्म को लाना, क्या इस फिल्म से कुछ फर्क पड़ेगा? जब हमने ये पिक्चर ये प्लान की थी और बनाई थी तो जिस माहौल का आप जिक्र कर रहे थे वो माहौल था नहीं, वो माहौल हमारे देश का था, जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश की मिट्टी के हम हैं। ये फिल्म उसी मिट्टी से बनी हुई है। इस फिल्म का दिल बड़ा है और ये जो बड़ा दिल है ना, वो आप किसी भी दौर में भी आप रिलीज कर लो। अगर आप वाकई अपने देश से प्यार करते हो, प्रेम करते हो, और जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी इस देश के लिए, अगर वो कनेक्शन आपके दिल में है तो आपको किसी भी माहौल में ये पिक्चर रिलेट कर पाएगी, आपसे रेजोनेट कर पाएगी और आप रिलेट करोगे और आप पसंद करोगे और आप गर्व करोगे कि ऐसे इंसान थे और आज भी हैं।
तो ये माहौल की बात नहीं है, ये फिल्म की बात है, कहानी की बात है और हिंदुस्तानी होने की बात है। देश के बारे में बात हो रही हो और खिलाड़ी कुमार का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हाल ही में अकी ने ट्वीट किया था कि आर्मी से प्रूफ नहीं मांगना चाहिए, लेकिन क्या सरकार से सवाल करने का हक किसी को नहीं है? तो इस पर अक्षय पॉलिटिकल क्वेश्चन का आंसर देने से बचे। I don't have an answer more that to give it because I'm not a politician. वैसे अक्की देश के लिए soldiers के लिए हमेशा ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो क्या real life में की गई ये सब चीजें उन्हें real life में देशभक्ति से less फिल्में करने के लिए motivate करती हैं? Who wouldn't want to do this? Who wouldn't want to be a part of this? It's a huge, it's a amazing subject. It's about courage and it's a real subject. And even when I heard about airlift, I still remember. And I just went for it. I was shocked. I mean, said that nobody knew about it. Even the media didn't know about airlift. There was, when I googled about airlift, what happened, there was only one article about that thing that India went inside a war zone and brought 170,000. And after the movie release, there were millions of articles on it. So, and about same goes with Saragadi also. Not many people knew about it. They just knew a little bit vaguely. And so. This is a beautiful subject, and once I heard about it, I said, I just want to do it over hook or by crook. I'm just going to be part of this.